हेलो दोस्तों, तो आज अपन दोस्तों स्टार्ट करेंगे सिलेंडर। सबसे पहले अपन समझते हैं दोस्तों सिलेंडर क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है। सिलेंडर की डेफिनेशन आपको बताता हूँ। सबसे पहले अ सरफेस जनरेटेड बाय लोकस ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हिच आर पैरेलल टू फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन एंड इंटरसेक्ट अ कर्व और टच अ सरफेस। देखिए, आपको मैंने पहले कोन पढ़ाया था, तो कोन के अंदर क्या था? कोन के अंदर दोस्तों था, कोन किसका लोकस था? कोन था उन स्ट्रेट लाइन का लोकस था जो फिक्स पॉइंट से पास हो रहा था। और ये जो सरफेस है किसका लोकस है? ये भी उन लाइंस का लोकस है, उन स्ट्रेट लाइंस का लोकस है जो फिक्स स्ट्रेट लाइन के पैरेलल है, ठीक है। और साथ साथ क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट ऑफ कर्व और टच सरफेस कर रहा है। जबकि कोन के अंदर क्या था? जो लाइंस थी अपनी, बहुत सारी स्ट्रेट लाइंस थी, वो फिक्स पॉइंट से पास हो रही थी। यहां पर भी बहुत सारी स्ट्रेट लाइन है लेकिन वो फिक्स पॉइंट से पास नहीं हो रही है, फिक्स लाइन के क्या है? पैरेलल है। और साथ साथ जो मेरी लाइंस है वो किसी कर्व को इंटरसेक्ट करेगी या फिर किसी भी सरफेस को टच करेगी। और कोन के अंदर इसमें ये डेफिनेशन के अंदर डिफरेंस है, कोन के अंदर था देर आर सेवरल स्ट्रेट लाइन विच वॉज पासिंग थ्रू द फिक्स पॉइंट एंड इंटरसेक्ट और टच अ सरफेस, एंड इन सिलेंडर इट इज द लोकस ऑफ स्ट्रेट लाइन विच आर पैरेलल टू द फिक्स लाइन एंड दैट लाइंस and that several lines are intersect a curve or touch a surface। कहने का मतलब क्या हुआ कि let's suppose अपना दोस्तों ये कोई curve है, let's suppose ये मान लीजिए दोस्तों अपना कोई curve, ठीक है, और ये मेरे पास बहुत सारी straight lines हैं और एक fixed line यहाँ पे assume कर लीजिए, ये मेरी एक fixed line है, ठीक है, ये मेरी क्या है? Fixed line है। और ये मेरा कोई मान लीजिए randomly मैंने कोई curve लिया है, ठीक है, जिसको जाके मेरी जो straight lines है जो इस fixed line के parallel है इसको जाके क्या करती है? Intersect करती है। क्या करता? इंटरसेक्ट करता है, ठीक है, ठीक है। तो ये जो अब यहां पे जो लोकस बनेगा इन स्ट्रेट लाइंस का जो इस कर्व को इंटरसेक्ट करता है और इस फिक्स लाइन के पैरेलल है, इस फिक्स लाइन के पैरेलल है, तो मेरे पास जो यहां पे जो सरफेस जनरेट होगा वो कैसा सरफेस आएगा? सिलिंड्रिकल सरफेस आएगा। दोस्तों ये देखिए क्या है, सिलिंड्रिकल सरफेस अपन को यहां पे जनरेट हो रहा है। आप कहेंगे कि सिलेंडर ऐसा नहीं होता, लेकिन आप लोगों ने जो सिलेंडर देखा है आपने लाइफ में, आपने देखा है सिलेंडर जिसका बेस था सर्कल, आपने अधिकतम केस के अंदर राइट सर्कुलर सिलेंडर देखा होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि राइट सर्कुलर सिलेंडर ही मिले। ये डिपेंड करता है कि जो गाइडिंग कर्व है उसकी इक्वेशन क्या है, ठीक है, क्योंकि जो इतनी सारी जो स्ट्रेट लाइंस है, सेवरल स्ट्रेट लाइंस है जो इस फिक्स लाइन के पैरेलल है, वो कर्व को जाके इंटरसेक्ट करेगी। तो वो कर्व कुछ भी हो सकता है, इलेप्टिकल कर्व भी हो सकता है, सर्कुलर कर्व भी हो सकता है, एनी इक्वेशन हो सकती है। तो यहां पे मैंने ये माना है कोई भी मेरा कर्व है, ठीक है ना, ये मान लीजिए ये मेरा क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा गाइडिंग कर्व। क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा गाइडिंग कर्व। और ये इतनी सारी जो स्ट्रेट लाइंस है, इतनी सारी जो इस फिक्स लाइन के पैरेलल है, ठीक है, ये सारी है जनरेटर्स। ये क्या है? ये है जनरेटर्स। तो ये जो इतनी सारी स्ट्रेट लाइन है, जनरेटर्स है जो इस फिक्स लाइन के पैरेलल है और एक कर्व को इंटरसेक्ट करती है, तो उसके बाद जो अपन को ये जो सरफेस यहां पे मिल रहा है, वो जो सिलिंड्रिकल सरफेस यहां पे मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड द सिलेंडर। ओके, आप लोगों ने दोस्तों ये वाला सिलेंडर आपने अपनी लाइफ के अंदर देखा, ये सिलेंडर आपने अपनी लाइफ के अंदर देखा जिसका बेस होता है सर्कल, है ना। लेकिन जरूरी नहीं है, ये मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा, राइट सर्कुलर सिलेंडर आपको अलग से मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन आज सिलेंडर का पहला दिन है, इसका बेसिक मीनिंग समझना बहुत जरूरी है। बेसिक मीनिंग ये है कि अपने पास अगर कोई भी लेट सपोज कोई कर्व आपको दे रखा है, उस कर्व को अगर मान लीजिए बहुत सारी स्ट्रेट लाइन, है ना, सेवरल स्ट्रेट लाइन आपको इंटरसेक्ट करती है, और ये सारी जो स्ट्रेट लाइन है L1, L2, L3 अप टू LN, ये इतनी सारी जो स्ट्रेट लाइन, सारी स्ट्रेट लाइन एक फिक्स लाइन जो एक और है फिक्स लाइन, है ना, इस प्लेन के अलग है किसी, है ना, इस प्लेन के अलग एक और स्ट्रेट लाइन है जो अपनी क्या है? फिक्स लाइन है। उस फिक्स लाइन की सारी लाइंस क्या है? पैरेलल है, और इस कर्व को क्या करती है? इंटरसेक्ट करती है, ठीक है, कर्व को क्या करती है? इंटरसेक्ट करती है या फिर टच करती है, ठीक है। तो फिर अपन को ये जो सरफेस मिलता है, ठीक है, तो उन सारी स्ट्रेट लाइन का जो अपन को लोकस मिलता है वो क्या कहलाता है? सिलेंडर कहलाता है। क्या कहलाता है? सिलेंडर कहलाता है। तो यहां पर क्या क्या है? एक तो गाइडिंग कर्व है, ठीक है, ये जो गाइडिंग कर्व जो है ये एंड कुछ भी हो सकता है, होमोजीनियस इक्वेशन हो सकती है, सर्कल हो सकता है, एलिप्स हो सकता है, ठीक है ना, डिपेंड करेगा अलग अलग गाइडिंग कर्व की इक्वेशन होने पे अलग अलग अपने नाम के जो सिलेंडर आते हैं, राइट सर्कुलर सिलेंडर आता है और इसके अलावा इलिप्टिकल सिलेंडर भी आता है, तो वो सब चीजें अपन बाद में देखेंगे।
तो यहाँ पे समझने लायक चीज क्या है भैया, सिलेंडर क्या है? एक ऐसा सरफेस जो जनरेट होगा, जो बनेगा कब, जब बहुत सारी स्ट्रेट लाइन, लोकस, लोकस की बात हो रही है, लोकस 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 की जब कभी भी बात होती है तो उसका मतलब होता है कि आपके पास कुछ पॉइंट या स्ट्रेट लाइन के बारे में बात कर रहे हैं जिनके ऊपर कोई कंडीशन आपने डाल दी है। वो कंडीशन डालने के बाद अब आपके पास नया ज्योमेट्रिकल शेप क्या आएगा? अगर आप उन स्ट्रेट लाइन या पॉइंट पर जब कंडीशन इंपोज कर देते हो तब आपके पास नया ज्योमेट्रिकल शेप जो आता है, ठीक है ना, वो लोकस कहलाता है। लोकस में आपको आउटपुट मिलेगा, एक नया सरफेस मिलेगा। तो यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन पे अपने कंडीशन इंपोज की है, स्ट्रेट लाइन पे क्या कंडीशन इंपोज की है, ये स्ट्रेट लाइंस है, इन पे कंडीशन क्या इंपोज की भैया, ये स्ट्रेट लाइन L1, L2, L3, L4 अप टू LN मान लीजिए एन स्ट्रेट लाइन है, इन पे क्या कंडीशन है, दैट ऑल स्ट्रेट लाइन आर पैरेलल टू अ फिक्स लाइन, एक फिक्स लाइन और मान लीजिए L इक्वल टू जीरो, इस फिक्स लाइन के सारी लाइंस क्या है, पैरेलल है, ठीक है, और साथ ही साथ एक सरफेस को क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। तो फिर अपन को जब तो फिर अपन क्या कहेंगे कि इन सारी स्ट्रेट लाइन का जो लोकस होगा वो क्या कहलाएगा, एक सिलेंडर कहलाएगा, क्या कहलाएगा, सिलेंडर कहलाएगा। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये कि जो सारी स्ट्रेट लाइन है L1, L2 अप टू LN मान लीजिए स्ट्रेट लाइन है, ऑल आर पैरेलल टू अ फिक्स लाइन L इक्वल टू जीरो, ओके, एंड दैट ऑल स्ट्रेट लाइंस आर इंटरसेक्ट अ कर्व, एक कर्व को इंटरसेक्ट करती है ना, वो कर्व क्या कहलाता है, गाइडिंग कर्व कहलाता है, कभी कभी उसको बेस कर्व भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, बेस कर्व भी कहा जाता है, ठीक है ना। जब राइट सर्कुलर सिलेंडर पढ़ूंगा तब मैं आपको बताऊंगा, बेस कर्व के बारे में भी बताऊंगा, तो उसको बेस कर्व भी कहा जाता है, गाइडिंग कर्व बोलते हैं। तो गाइडिंग कर्व पे डिपेंड करेगा कि सिलेंडर की डेफिनेशन, सिलेंडर का टाइप क्या होगा, ठीक है। तो ये दोस्तों इसकी मोटी मोटी इसके बारे में जानकारी है, सिलेंडर का बेसिक मीनिंग जो है यहाँ पे ये आ रहा है, तो ये सिलेंडर का बेसिक मीनिंग है। और अब अपन एक सिलेंडर की इक्वेशन निकालते हैं, एक कोई गाइडिंग कर्व अज्यूम करते हैं और सिलेंडर की इक्वेशन निकालने की कोशिश करते हैं, फटाफट सिलेंडर की इक्वेशन देके निकालते हैं। देखिए डिपेंड करेगा गाइडिंग कर्व क्या है उसके हिसाब से सिलेंडर के बारे में अपन बात करेंगे, है ना, और ये जो गाइडिंग कर्व है वो चेंज होता रहता है। जैसे देखिए मैं फ्रेंड्स अपन सिलेंडर की इक्वेशन निकालेंगे जिसका गाइडिंग कर्व मैंने अज्यूम किया है ax square plus by square plus cz square plus 2gx plus 2fy plus 2hxy plus c equal to 0 और एक प्लेन है साथ साथ z equal to 0, ठीक है, क्या प्लेन है, z equal to 0 और मैंने फिक्स लाइन ली है जिसके डायरेक्शन रेशियो जो है LMN है। कहने का मतलब क्या है कि बहुत सारी स्ट्रेट लाइन है जो इस गाइडिंग कर्व को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, और साथ साथ एक फिक्स लाइन है, ये क्या है, फिक्स लाइन है, ये है मेरी फिक्स लाइन जिसके डायरेक्शन रेशियो मैंने LMN अज्यूम किए हैं। बहुत सारी जो स्ट्रेट लाइन है उसमें से मैं एक कोई जनरेटर चूज कर लेता हूं, ठीक है, और उसके ऊपर एक पॉइंट अज्यूम कर लेता हूं जो सिलेंडर पे भी लाई करेगा x1, y1, z1, ठीक है। इनमें समझने के लिए मैंने एक जनरेटर लिया है, ऐसे बहुत सारे स्ट्रेट लाइन्स होगी जो इस फिक्स लाइन के क्या होगी, पैरेलल होगी और उस गाइडिंग कर्व को क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। तो उन बहुत सारी स्ट्रेट लाइन का जो लोकस होगा, ठीक है, वो एक सरफेस प्रोड्यूस करेगा, वो सरफेस क्या कहलाएगा, सिलेंडर कहलाएगा। तो सबसे पहले मैंने एक पॉइंट अज्यूम किया है x1, y1, z1, ठीक है। सबसे पहले जनरेटर लाइन की इक्वेशन क्या होगी, जो x1, y1, z1 से पास होगी, क्या होगी, वो होगी x-x1=y-y1=z-z1 अपॉन आएगा डायरेक्शन रेशियो। सिंस ये जनरेटर इस फिक्स लाइन के पैरेलल है तो दोनों के डायरेक्शन रेशियो सेम रहेंगे, LMN ही रहेंगे, तो ये LMN आ गया। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने इस जो जनरेटर की इक्वेशन है वो मैंने निकाली, उसके लिए मैंने एक पॉइंट अज्यूम किया x1, y1, z1 जो सिलेंडर पे लाई कर रहा है, इस लाइन की इक्वेशन मैंने निकाल दी जनरेटर की जो इस फिक्स लाइन के क्या है, पैरेलल है। अब देखिए ये जो जनरेटर है इस गाइडिंग कर्व को क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है, जो कौन से प्लेन के अंदर है, जेड इक्वल टू जीरो में, कौन से प्लेन में, जेड इक्वल टू जीरो में। तो ये जब इसको इंटरसेक्ट करेगा तो जेड इक्वल टू जीरो यहाँ पे सेटिस्फाई होना चाहिए, है ना, बिकॉज दिस लाइन इज इंटरसेक्टिंग। तो अपन जेड इक्वल टू जीरो यहाँ पुट करेंगे क्या आएगा, x-x1/L = y-y1/N, जेड जीरो होने पर माइनस का z1/N हो जाएगा। इसका इससे कंपेयर करेंगे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x1-L z1/N, इसका इससे कंपेयर करने पर y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y1-M z1।
जेड वन अपॉन एन, और जेड अपना क्या है जीरो। तो ये अपन को पॉइंट मिल गया जो सिलेंडर के ऊपर लाई करेगा, तो अपन इस पॉइंट को क्या करेंगे, इस गाइडिंग कर्व को सेटिस्फाई करेंगे, बिकॉज दिस पॉइंट इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ द जनरेटर लाइन एंड द गाइडिंग कर्व। तो ये पॉइंट अपन अगर यहां पर सेटिस्फाई कराए तो अपन को क्या इक्वेशन मिलेगी देखते हैं। बहुत सिंपल है सिलेंडर दोस्तों, सीधा सीधा इसको यहाँ पे सेटिस्फाई करा दीजिए, तो a x की जगह क्या रहेगा, x1 माइनस l z1 अपॉन n का होल स्क्वायर, प्लस b y की जगह क्या आ जाएगा, y1 माइनस m z1 अपॉन n का होल स्क्वायर, प्लस c z स्क्वायर, z तो जीरो है तो ये नहीं आएगा, प्लस 2g x, x की जगह वापस x1 माइनस l z1 अपॉन n, 2f y, y की जगह y1 माइनस m z1 अपॉन n, प्लस टू एच एक्स वाई, तो x और y है ना, x1 माइनस एल जेड वन अपॉन एन इन टू वाई एन वाई वन माइनस एम जेड वन अपॉन एन प्लस कॉन्स्टेंट सी इक्वल टू जीरो। तो दोस्तों ये अपने पास आ गई सिलेंडर की इक्वेशन, ठीक है ना। लेकिन ये सिलेंडर की इक्वेशन कैसे मैंने फाइंड की, ये और सिलेंडर की इक्वेशन किसके लिए है, एक जनरेटर के लिए है, एक पॉइंट जूम किया x1 y1 z1, ऐसे बहुत सारे पॉइंट होंगे, ऐसे बहुत सारे जनरेटर होंगे, तो x1 y1 z1 को का लोकस के लिए अपन क्या करेंगे, x1 y1 z1 को एक्सचेंज कर लेंगे जनरल पॉइंट से। तो यहां से अपन क्या करेंगे, x1 y1 z1 को अगर हटा के अपन जनरल पॉइंट xz कर लें, मतलब x1 y1 z1 को हटा के उसकी जगह क्या आ जाएगा, एक्स वाई जेड आ जाएगा ना, तो अपने पास फाइनल इक्वेशन क्या आ जाएगी, मतलब लोकस की इक्वेशन क्या आ जाएगी, ये इक्वेशन अपने पास आ जाएगी, है ना। तो यहां से मैंने हटा दिया है एक्स वन वाई वन जेड वन, ठीक है, एक्स वन वाई वन जेड वन की जगह मैंने वापस पुट कर दिया है एक्स वाई जेड, बिकॉज जब कभी भी आप लोकस फाइंड करते हो, ठीक है, लोकस फाइंड करने के लिए आपको एक पॉइंट अज्यूम करना पड़ता है, ऐसे बहुत सारे पॉइंट होते हैं, उन सारे पॉइंट्स का लोकस जब फाइनल आंसर आपके पास आता है तो यू हैव टू एक्सचेंज विद द जनरल पॉइंट, ओके। तो ये अपने पास इक्वेशन दोस्तों आ गई है सिलेंडर की, बहुत सिंपल तरीका है। मैंने क्या किया, मैंने एक जनरेटर अज्यूम किया, उसके ऊपर एक पॉइंट सपोज किया एक्स वन वाई वन जेड वन, ठीक है, और ये जो जनरेटर था इस फिक्स लाइन के पैरेलल था, फिक्स लाइन के पैरेलल था, इस फिक्स लाइन के पैरेलल बहुत सारे जनरेटर्स होते हैं जो गाइडिंग कर्व क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो मैंने इस जनरेटर की इक्वेशन निकाली, क्या इक्वेशन आ गई, इक्वेशन पासिंग थ्रू एनी पॉइंट इज एक्स माइनस एक्स वन अपॉन डायरेक्शन रेशियो, वाई माइनस वाई वन अपॉन डायरेक्शन रेशियो, जेड माइनस जेड वन अपॉन डायरेक्शन रेशियो, एक्स वाई जेड का डायरेक्शन रेशियो यहाँ पे सेम ही रहेगा जो फिक्स लाइन का है, बिकॉज ये जनरेटर है इस फिक्स लाइन के क्या है, पैरेलल है, तो डायरेक्शन रेशियो में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये अपने पास इक्वेशन आ गई। फिर अपन ने ये बोला कि ये जो जनरेटर है इस गाइडिंग कर्व को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, और कौन से प्लेन में इंटरसेक्ट कर रहा है, जेड इक्वल टू जीरो में इंटरसेक्ट कर रहा है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स वाई जेड के अंदर, ठीक है, होमोजेनियस इक्वेशन है, और जेड इक्वल टू जीरो अपना प्लेन है साथ साथ जो गाइडिंग कर्व है, तो अपन ने जेड इक्वल टू जीरो को यहाँ पे सेटिस्फाई करा के एक्स वाई और जेड की वैल्यू अपने पास आ गई, ये तीनों वैल्यूज अपन ने यहाँ पे पुट कर दी, तो अपने पास फाइनल इक्वेशन एक्स वन वाई वन जेड वन की टर्म में आई थी, क्योंकि अपन ने एक पॉइंट अज्यूम किया था एक्स वन वाई वन जेड वन, ठीक है, तो उसका लोकस फाइंड करने के लिए वापस अपन ने जनरल पॉइंट एक्स वाई जेड से एक्सचेंज कर लिया, तो अपने पास फाइनल इक्वेशन ये आ गई। तो दोस्तों ये जनरल इक्वेशन थी, और आगे आगे अपन जैसे प्रॉब्लम करेंगे तो और तरह तरह के क्वेश्चन लेंगे सिलेंडर की इक्वेशन फाइंड करने के, और अलग अलग पैरामीटर अलग अलग कंडीशन से सिलेंडर की इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो इस वीडियो को और ध्यान से देखिए, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए और इस वीडियो को सेव कीजिए।